दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी तैयार ब्लाउज में बेल्ट कैसे लगाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जैसे आपका तैयार ब्लाउज है, आप इसमें बेल्ट लगाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि तैयार ब्लाउज में आप बेल्ट कैसे लगाएं। तो देखिए, जैसे ये तैयार ब्लाउज है, तो ये ब्लाउज मैंने इस तरह से सेट कर लिया है कमर से। तो जैसा इसका मेजरमेंट लेना है वो बताने वाली हूँ। तो जो हमारी ये साइड फिटिंग है, आगे के पार्ट में हम बेल्ट लगाने वाले हैं, तो यहाँ से लेके और इस साइड तक हम मेजरमेंट ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये 13.5 इंच आ रहा है, और हम इसमें मार्जिन लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे अंदर की तरफ हम स्टिच कर देंगे दोनों साइडों में। तो देखिए, आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें दोनों साइडों में। तो देखिए, इस तरह से मार्जिन लेने के बाद ऐसे ये 16.5 इंच आ रहा है। अभी हम इसको कटिंग करते हैं। तो देखिए, ये मैंने ब्लाउज का कपड़ा है बचा हुआ, आपको इसका साइज बता देती हूँ। देखिए, इसकी जो चौड़ाई है ये 6 इंच है, और इसकी पीस की लंबाई है 18 इंच। क्योंकि जैसे मैंने बताया, डेढ़ डेढ़ इंच हम दोनों साइडों में लेंगे, और जब आगे की तरफ फिनिशिंग देंगे उसके लिए भी, तो मैंने ये 18 इंच तैयार में ले लिया है। और अभी मैंने सेम इसी तरह से कैनवास का टुकड़ा भी लिया है, तो पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसमें अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी कपड़े को तैयार कर देंगे कपड़े से। देखिए, मैंने भी ये कैनवास है जो इसी का साइज ले लिया है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया, इसमें मैं आगे की तरफ बटन लगाने वाली हूँ। तो जो ये पीस है हमारा, यहाँ से बीच में से हम दो पीस कर लेंगे इसके। तो देखिए, ये इस तरह से आएगा, यहाँ पे हमारे बटन्स आ जाएंगे। और इसी तरह मैंने कैनवास भी लिया है, तो पहले हम ड्राफ्ट इसी पे कर लेते हैं। तो इसको भी मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, और मैंने अभी इसको फोर फोल्डिंग कर लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेप देने वाली हूँ, जिससे क्या है, लुक जो है बहुत ही अच्छा आएगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से कोने से 1.5 इंच क्रॉस में मार्किंग कर लेते हैं। ये जो मार्किंग की है हमने, अभी कट कर लेते हैं, और इसको बीच में से भी कट कर लेते हैं। देखिए, इसकी जो शेप आएगी ये इस तरह से आएगी, एक साइड में हमारा लुक रहेगा, एक साइड में बटन आएगा। तो देखिए, ये मैंने कट कर दिया है, और ये कपड़े को भी डबल फोल्ड करके उल्टा रख दिया है, और यहाँ पे इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। अब यहाँ से लेके हम इसकी इस तरह से सेम शेप में यहाँ तक स्टिच कर देंगे। स्टिच करने का जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको कट कर देंगे, फिर इसको पलट देंगे। एक साइड में हम लुप लगाएंगे, तो जब सिलाई करेंगे उसी समय स्टिच कर लेंगे, तो वो भी बताती हूँ। जो लुप लगाने वाले हैं, उसके लिए मैंने ब्लाउज का ही कपड़ा लिया है, और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच ली है, क्योंकि ये कपड़ा जो है ब्रोकेट का है, ये धागे बहुत निकलते हैं। तो हम यहाँ से लेके यहाँ पे सिलाई डाल के इसको पलट देंगे, जैसे नॉर्मल डोरी बनाते हैं इसी तरह हम डोरी बना लेंगे, फिर यहाँ पे सेट करके स्टिच करेंगे। तो देखिए, जो डोरी मैंने कट की थी कपड़ा, उसकी इस तरह से मैंने डोरी बना ली है, और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और हम इसके बीचों बीच में यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। जो यहाँ पे इतना स्ट्रेट पार्ट है, यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा। तो पहले इसको सेट कर लेते हैं, और फिर हम यहाँ पे सिलाई डालेंगे। तो देखिए, अभी यहाँ से लेके मैं सेम शेप में यहाँ तक स्टिच कर दूंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्टिच कर दिया। जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको कट कर देते हैं। इसको पलट देते हैं, देखिए यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पे इस तरह से हमारी शेप आ चुकी है। अभी बस यहाँ पे हम किनारे पे सिलाई नहीं डाल रहे हैं, जैसे क्या थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसको आयरन करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। अभी बस सिर्फ यहाँ पे सिलाई डाल देते हैं। तो देखिए, इसी तरह मैंने दूसरा साइड का पीस तैयार कर लिया है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा बटन आ जाएगा, यहाँ पे लुप है। तो देखिए, इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पे। अभी हम इसको ब्लाउज में अटैच करते हैं। तो देखिए, जब हम ब्लाउज में अटैच करते हैं, तो हमने यहाँ पे सिलाई खोल दिया है, जो हमने फिटिंग की सिलाई दी थी। तो यहाँ पे हम इस तरह से, जो ये लुप वाला है, ये हमारा राइट साइड के पीस में आएगा, यहाँ पे इस तरह से सेट कर लेंगे। तो जो यहाँ पे जो बटन आएगा, वो दूसरे पार्ट में चला जाएगा, और यहाँ से नीचे से एकदम बराबर से सेट कर लें इस तरह से, क्योंकि जो ब्लाउज नीचे का पार्ट है वो दिखना नहीं चाहिए। और यहाँ पे सिलाई डाल के इसको सेट कर देते हैं।
तो देखिए जैसे ये सेट हो गया, अब आप इसकी फिटिंग दे देंगे जो हमारा साइज़ है उसके हिसाब से। अभी सेम हम दूसरे साइड में भी लगाते हैं। फिर दूसरे साइड में जो हमारी ये काज पट्टी है यहाँ पे ये छोड़ देंगे, पट्टी को इस तरह से लेंगे और यहाँ पे भी इसको इस तरह से सेट कर देते हैं। ये भी मैंने सेट कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे ये सिलाई निकाला था सेम इसको सिलाई डाल देंगे, इस तरह से सेट आएगा। यहाँ पे एक बटन लगा देंगे। तो देखिए अभी मैं फिटिंग दे देती हूँ, मैंने उल्टा कर लिया, ये बेल्ट आ रही बीच में और ये बैक साइड का, ये फ्रंट का पार्ट है और यहाँ पे जो हमारा साइज है उस हिसाब से फिटिंग दे देते हैं। तो देखिए मैंने दोनों साइडों में स्टिचिंग डाल दी है और ये बेल्ट हमारी देखिए इस तरह से आएगी। यहाँ पे हम एक बटन लगा देते हैं। तो देखिए मैंने ये गोल्ड कलर का बटन लिया है, आप कोई भी कलर का ले सकते हैं। तो बटन को हमें यहाँ पे स्टिच कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बटन लगा दिया है। अभी आपको बताते हैं इसका लुक किस तरह से आएगा जब आप साड़ी को पहनेंगे। तो देखिए जैसे कि हमारी साड़ी का पल्लू है, तो हम पल्लू को इस तरह से प्लेट डालने के बाद साड़ी को यहाँ से सेट कर लेंगे, जैसे कि हमने ये सेट कर लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर इस बटन को लगा के ये सेट कर सकते हैं। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप इस आसान तरीके से ये ब्लाउज तैयार होने के बाद भी ये बेल्ट अटैच कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।